आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक से। भागवत ने की जनसंख्या नीति बनाने की मांग का सब पर लागू हो और किसी को भी ना मिले छूट। मुंबई में चार कार और एम्बुलेंस की एक साथ टक्कर, अब तक 5 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गंभीर में बंधक बनाए गए 13 लोग भारत लौटे चेन्नई से, राज्य मंत्री ने किया स्वागत, थाईलैंड में नौकरी दिलाने के बहाने ले गए थे। गरबा कर रहे लोगों पर मुस्लिमों ने किया हमला, पुलिस ने आरोपियों को गांव वालों के सामने खंभे से बांधकर पीटा। तेलंगाना में टीआरएस के नेता ने फ्री में बांटी चिकन शराब, केसीआर दशहरे पर लॉन्च करेंगे राष्ट्रीय पार्टी, इस खुशी में मनाए जश्न। ऑपरेशन लोटस में 7 और विधायकों के बयान दर्ज होंगे, खरीद फरोख्त मामले में विजिलेंस की कार्रवाई। गुजरात में भाजपा पार्षद के बेटे का खूनी खेल, पुरानी रंजिश में मंदिर से लौट रहे युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा। विदेश मंत्री जयशंकर आज से 1 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, रिश्ते मजबूत करने पर जोर। एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने कहा कि चीन की गतिविधियों पर पूरी नजर, वायुसेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, नीतीश कुमार ने मुझे अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कहा, मैंने मना कर दिया। नागपुर में आरएसएस का दशहरा समारोह, पहली बार महिला मुख्य अतिथि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। उत्तराखंड में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 25 की मौत, बस में 50 बराती थे, लोगों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट से शव को खोजा। कश्मीर के शोपिया में मारे गए जैश के 3 आतंकवादी, टॉर्च डार्च में कल शाम से चल रही थी मुठभेड़। अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरे का 3रा दिन मंगलवार को राजौरी में पहाड़ी गुज्जर और बकरवाल को आरक्षण का आश्वासन दिया। उत्तरकाशी में एवलॉन्च 11 लापता पर्वतारोहण संस्थान ने 29 ट्रेनी बर्फ में फंसे, 8 को रेस्क्यू किया गया, 10 शव मिले। आदि पुरुष के रावण पर विवाद तेज, यति नरसिंह नंद बोले सैफ अली का गेटअप सनातन विरोधी है। बांदा में सांगों का हैरत अंगेज प्रदर्शन, महिला ने जवरा का किया विसर्जन, नवरात्र महोत्सव का किया गया समापन। भदोही में दुर्गा पूजन पंडाल में आग लगने का मामला, प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। आगरा के हॉस्पिटल में भीषण आग, एक परिवार के 3 जिंदा जले, डॉक्टर उनकी बेटी और बेटे के मौत, 3 मरीज गंभीर।
जौनपुर में मूर्ति विसर्जन के लिए बनाया गया शक्ति कुंड, 200 से अधिक प्रतिमा का होगा विसर्जन। बागपत में एसपी ने रावण दहन स्थल का किया जायजा, पुलिसकर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर में तालाब में घुसा मगरमच्छ, ग्रामीणों ने रस्सी और मुंह डंडो डालकर बाहर निकाला, तालाब में पली थी मछलियां। पीलीभीत में रेलवे गेटमैन की हत्या, रुपए के लेनदेन का मामला, आरोपी ने अपने ही घर में दफनाया शव। डूबती हुई चार युवतियों को युवक ने दी नई जिंदगी, झांसी के बांध में डूब रही थी चार लड़कियों को बचाया। बदायूं जमीन बटाई के खुन्नस में युवक को मारी गोली, कल पिता के साथ खेत पर रखवाली करने गया था, कनपटी पर किया फायर। बुलंदशहर में जमीन धंसने से धान से भरा ट्रक पलटा, शहर में सीवर लाइन बिछाने के बाद हो रहा है हादसा। बांदा पुलिस ने 476 वाहनों का किया चालान, 11 लाख रुपए जुर्माना वसूला, त्योहारों पर पुलिस बरत रही है सतर्कता। देवरिया में बेकाबू ट्रक ने दो मासूमों की जान ली, पुलिस ने घेराबंदी कर चालक को दबोचा, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल। मुठभेड़ में ट्रिपल मर्डर का आरोपी गिरफ्तार, पत्नी और दो बेटों की एक साल पहले की थी हत्या, मथुरा पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। गाजीपुर में मुलायम सिंह के लिए मांगी जा रही है दुआ, विधायक ओम प्रकाश सिंह ने जल्द स्वस्थ होने की कामना। अलीगढ़ में शादी के नाम पर ठगी करने वाला गैंग गिरफ्तार, सिविल लाइंस और गांधी पार्क क्षेत्र से 13 आरोपी दबोचे। लखनऊ में पत्नी का कत्ल कर खुद लगाई फांसी, बट्टे से हमला कर उतारा मौत के घाट, बेटा बोला मम्मी करती थी अनजान युवक से बात। मथुरा में मुठभेड़ में घायल हुआ गांजा तस्कर, पुलिस ने गांजा तस्कर से हुई मुठभेड़। दशहरा उत्सव में ड्रोन से रखी जाएगी नजर, नुमाइश मैदान के साथ जिले भर में होगा। पीलीभीत में धार्मिक आयोजन में पुलिस और जनता के बीच विवाद का समझौता कराने पहुंचे हिंदूवादी नेता। बलरामपुर में बदमाशों ने युवक को गोली मारी, पैसों के लेनदेन का था विवाद, पुलिस ने तीन लोगों को खिलाफ दर्ज किया केस। फरुखाबाद में पेड़ पर चढ़कर युवक ने किया हंगामा, कोल्ड स्टोरेज प्रबंधक पर थप्पड़ मारने का आरोप, आत्महत्या की दी धमकी। अम्बेडकर नगर में विदेश भेजने के नाम पर 29 से ठगी, फर्जी वीजा पासपोर्ट देकर वसूले 19 लाख रुपए। महाराजगंज के आदि पुरुष के निर्देशक के खिलाफ दी तहरीर, अधिवक्ता ने केस दर्ज करने की मांग की। ललितपुर में एसपी ने रात में की पैदल गश्त, जनता से किया संवाद, त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क।
लखीमपुर खीरी में युवक को बाघ ने बनाया निवाला। अलीगंज रोड वन वे रेंज गोला जमुना बाद फार्म के कंपार्टमेंट 3 चौकीदार का मृतक। यूपीएसटीएफ ने पेट्रोल माफियाओं को दिया बड़ा झटका। विषैले पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। नोएडा में घुसकर चोरी का प्रयास करता हुआ चोर हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। परिवारजन ने आने के चलते नहीं दे पाया चोरी को अंजाम। सीतापुर में युवक की गर्दन काटकर हत्या। शरीर के कई अंगों को किया क्षतिग्रस्त। पुलिस बोली अवैध संबंधों में ली गई जान। उन्नाव में छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। 13 साल की थी। एक युवक को पुलिस ने आत्महत्या करने से बचाया। उत्तराखंड में काला दिन साबित हुआ मंगलवार। दुर्घटना में मातम में बदला दशहरे का उल्लास। 29 लोगों की मौत। पौड़ी जिले की घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। डीएम ने जारी किए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। दशहरा मनाने चीन सीमा पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा भारत एकमात्र देश है जहां होती है हथियारों की पूजा। केदारनाथ क्षेत्र में कंपेनियन ग्लेशियर के संचय जोन में आया था एवलांच। इसे नहीं है खतरा। उत्तराखंड के रुड़की पाकिस्तान महिला ने हनी ट्रैप में फंसा सेना का अकाउंटेंट। भेजे टॉप सीक्रेट केस दर्ज। दिल्ली सरकार में वरिष्ठ अधिकारी एवी प्रेमनाथ यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार। रानीखेत पुलिस कर रही पूछताछ। गंगा बंदी आज आधी रात से दीपावली की रात। छोड़ा जाएगा जल सभी गंगा घाटों। नहीं के बराबर रहेगा पानी। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। उत्तरकाशी में अगले 3 दिन ट्रैकिंग व पर्वतारोहण पर रोक। एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही सविता की मौत। इस साल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया था तिरंगा। सामने आई अंकिता की हत्या की असली वजह थी सोची समझी साजिश। 76 मेहमानों से हुई पूछताछ। उत्तराखंड में गेड़ी खाता के पास दर्दनाक कार हादसा। दवाई लेने जा रहे 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिए लोनीवी वन विभाग ने किया सर्वे। लोनीवी के असिस्टेंट इंजीनियर समेत 2 विभागों के कर्मचारी रहे मौजूद। उत्तराखंड के बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा आज। देहरादून में धू धू कर जलेगा रावण का अहंकार। कॉल सेंटर में बंधक बनाए गए एक थे असम के एक युवती और 2 युवक। भागकर पहुंचे पुलिस के पास। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की नाबालिग से यौन उत्पीड़न पर फूटा युवाओं का गुस्सा। स्कूल गेट को घेर किया प्रदर्शन। उत्तर कोरिया को करारा जवाब। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने 4 मिसाइल दागकर दिखाई ताकत।
पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति की बातचीत पर खुश हुआ अमेरिका, कहा पुतिन को अलग थलग कर दिया। चीन से जंग का खतरा, अमेरिका ने उतारा महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर जेराफ्लड फोल्ड, समुद्र में ला सकता है भूकंप। समंदर की जगह जमीन पर कैश हुई मिसाइल, साउथ कोरिया लोगों को लगा नॉर्थ कोरिया ने कर दिया हमला। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नागरिकों से किया वादा, कहा एक सप्ताह में यूक्रेन का और अधिक हिस्सा वापस ले लेंगे। शहबाज शरीफ का खुलासा, दुनिया के कई नेताओं ने मुझसे कहा कि इमरान झूठे, अक्खड़ और खुद को सबसे बड़ा लीडर समझते हैं। फिजिक्स का नोबेल, तीन वैज्ञानिकों को एलन एस्पेक्ट के नाम का ऐलान, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस पर रिसर्च किया। मोदी और जेलेंस्की की फोन पर बातचीत, पीएम ने कहा रूस और यूक्रेन जंग का सैन्य समाधान नहीं, एटमी ठिकाने महफूज रखने चाहिए। दुबई में खुला भव्य हिंदू मंदिर, मुस्लिम देश में दशहरे पर होगी भगवान शिव और कृष्ण के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा। रूस यूक्रेन युद्ध में नाबालिग बेटों की बलि चढ़ाने को है तैयार, पुतिन के वफादार रमजान कादिवरोव लड़ने के लिए भेजा। रिलायंस का लैपटॉप जियोबुक लॉन्च, 11.6 इंच एचडी स्क्रीन के साथ 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। ईयू के यूनिवर्सल चार्जर नियम लागू, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टाइप सी केबल से चार्ज होंगे, एप्पल को नुकसान। आज लॉन्च होगा जियो का 2 5G बीटा ट्रायल, दिल्ली मुंबई समेत 4 शहरों में होगी इसकी सर्विस की शुरुआत, अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। सैमसंग का लो बजट गैलेक्सी A04S लॉन्च, 50 MP पिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा, 4 GB रैम के साथ मिलेगी 128 GB इंटरनल स्टोरेज। पहले दिन 1.51 गुना सब्सक्राइबर हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और IPO, प्राइस बैंड 56 से 59 रुपए। लॉन्च हुआ ओप्पो A17 स्मार्टफोन, जिसको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का दमदार कैमरा, 77 अप्रैल जुलाई से 22 में राज का खर्च। देश में बड़ा आईफोन का निर्यात, सेबी ने गौतम थापर पर लगाया प्रतिबंध। ट्विटर की खरीद सकते हैं एलन मस्क। कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग की वापसी, रोहित शर्मा का 100% रिकॉर्ड, भारत के फुल टाइम कप्तान के रूप में लगातार 10 सीरीज जीत कर रचा इतिहास।
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर का फॉर्म चिंता का विषय, फिर जोर से हंस पड़े कप्तान रोहित शर्मा। बुमराह की गैर मौजूदगी बड़ा नुकसान, भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कहा उनकी कमी खलेगी। तूफानी शतक जड़कर राहुल रूसो ने अपने नाम किया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पांचवें खिलाड़ी। तीसरे टी20 में 49 रन से हरा भारत, राहुल रूसो ने 48 बॉल में बनाए 100 रन, सीरीज 2-1 से टीम इंडिया के नाम। एशिया कप में महिलाओं की टीम ने से जीत, यूएई को 104 रन से हराया, जेमिमा ने खेली 75 रन की धमाकेदार पारी। रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीती इनानी ट्रॉफी, सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराया, 29वां खिताब जीता। दीपक चाहर ने दोहराना चाहा दीप्ति शर्मा वाला रन आउट, अफ्रीका बल्लेबाज के उड़े होश। कैच लेते हुए मोहम्मद सिराज ने बाउंड्री रो पर रखा कदम, गुस्से में लाल हुए कप्तान और गेंदबाज। आम लोगों की तरह ट्रेन में सफर करते दिखे सोनू, वीडियो शेयर कर बोले मैं ट्रेन में ट्रैवल करने में ट्रेंड था। साजिद खान के शो में आने पर विवाद, कोई चोर कोई डाकू तो कोई किसी का था, अंडरवर्ल्ड डॉन से रिश्ता। आयु शर्मा ने उठाया अपनी तीसरी फिल्म से पर्दा, शेयर किया एंड टाइटल्स फिल्म का पहला लुक, साल 2023 में रिलीज होगी फिल्म। मुंबई एयरपोर्ट पे स्पॉट हुए रणवीर सिंह, स्टाइलिश लुक में आए नजर, वीडियो देख फैंस ने की तारीफ। जापान में चला काला चश्मा का जादू, कैटरीना कैफ के सॉन्ग पर जमकर थिरकी जापान की लड़कियां। पलक तिवारी ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, शेयर किया बीटीएस वीडियो, फैंस ने की तारीफ। रश्मिका मदान का बयान, बोली मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, बॉक्स ऑफिस पर नर्वस के बारे में कुछ नहीं कर सकती। तमन्ना भाटिया का डांस वीडियो वायरल, डांडिया नाइट्स में फैंस के साथ किया शानदार गरबा, एनर्जी देख फैंस हुए इंप्रेस। PS1 ने किया 250 करोड़ का आंकड़ा पार, चौथे दिन वर्ल्ड वाइड कमाए 31 करोड़, विक्रम मेगा 5 करोड़ के कलेक्शन पर सिमटी। आदि पुरुष में सैफ के लुक पर विवाद, हिंदू महासभा ने कहा कि आतंकी खिलजी, एमपी के गृह मंत्री के चेतावनी, लीगल एक्शन लेंगे। फिलहाल प्राइम शतक में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।